बार बार हमसे ये कहा जाता है कि हमें रविवार के दिनों में पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में सहभागी होना अनिवार्य है, लेकिन बहुत कम हमें बताया जाता है कि क्यों। आज हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण बातों पर मनन करेंगे क्यों मुझे और आपको पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में सहभागी होना चाहिए। उनमें से प्रथम है, हम इसके द्वारा प्रभु येसु के जीवन में सहभागी होते हैं। दूसरा है, ये सर्वोत्तम आराधना है। तीसरा है, क्रिस्तीय जीवन का अस्तित्व इसमें निर्भर है। चौथा, कलीसिया प्रकट होती है। और पांचवा है, कलीसिया का निर्माण इसके द्वारा होता है। और इसके साथ साथ हम पवित्र यूक्रिस्तीय आराधना क्यों जरूरी है और उसका महत्व मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या होता है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में मनन करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और आपको इन पर जो भी बातें, यदि आपको ज्यादा विस्तार रूप में जानना है या जो बातें आपको स्पर्श करती हैं, उनको आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा। आइए शुरू करते हैं। 5 बातें जो हमें वास्तव में ध्यान में रखने की जरूरत है, क्यों हमें मिस्सा बलिदान में सहभागी होना है। सर्वप्रथम, येसु के जीवन में सहभागी होना है। यूक्रिस्त में भाग लेने का, पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेने का अर्थ प्रभु येसु के जीवन में सहभागी होना है। इसलिए हमें मिस्सा बलिदान में सहभागी होना अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, पिता ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा कलीसिया के माध्यम से प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन को यहां वर्तमान बना देते हैं। तो पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के द्वारा हम प्रभु येसु के जीवन में सहभागी होते हैं। कारण नंबर 1, प्रभु येसु का जन्म हम मिस्सा बलिदान में कब मनाते हैं बताइए। प्रभु येसु का जन्मोत्सव मिस्सा बलिदान में कब मनाते हैं? बाइबल में महिमा गान कब गाया गया था? लूकस रचित सुसमाचार में दिया है, महिमा गान कब गाया गया था? जब येसु का जन्म हुआ था। स्वर्गदूत लोग, जब एक स्वर्गदूत चरवाहा लोगों को संदेश देने गए थे, संदेश देने के बाद स्वर्गीय सेना वहां उतर कर आई और उन लोग सब महिमा गाए। येसु का जन्म, जब हम महिमा गान गाते हैं ना, वो येसु का जन्मोत्सव है। हम लोग क्या क्या कहां कहां देखे, क्या क्या बोल के गाते हैं, हमारा ध्यान कहां रहता है। हर मिस्सा बलिदान में हम येसु का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके बाद क्या आता है? येसु का पब्लिक मिनिस्ट्री, माने लोगों के बीच में जाके सेवा कार्य करना, वचन सुनाते हैं। तो जो शब्द समारोह है पूरा वही है, येसु का वचन सुनाने का कार्य। उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ मिलकर, येसु के वचन सुने हैं तो विश्वास को प्रकट करते हैं। उसके बाद आता है यूक्रिस्तीय समारोह। यूक्रिस्तीय समारोह सब उनका दुखभोग मृत्यु का है, वो सब उनका दुखभोग और मृत्यु। इसलिए थोड़ा सा जो कलवारी की यात्रा जो हम किए थे उसको थोड़ा सा ध्यान में लाई। और उसके बाद हम पुनरुत्थान में प्रवेश करते हैं, जहां फादर वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ के दाकरस में डालते हैं। वो दाकरस और रोटी नहीं है, क्या क्या है, कौन कौन है वो? अभी येसु का शरीर और रक्त है। तो इन दोनों का अलग करके रखने का अर्थ है मृत्यु, और दोनों का मिलन पुनरुत्थान। तो ऐसे हम येसु के संपूर्ण जीवन में एक मिसा बलिदान में सहभागी होते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। यदि हम इस सच्चाई को ध्यान में रखकर मिसा बलिदान में आते हैं तो कभी आप देरी में आ सकते हैं, या हमारा ध्यान उधर उधर जाएगा, कौन सा कपड़ा पहन, साड़ी कहां से ली थी, ये अच्छा लग रहा है ना, हाँ ठीक ठीक अगली बार मुझे भी ले जाना, ठीक है, नहीं तो इधर देख, कल तू कहां गया था? मैं वो पार्टी में गया था। अच्छा ठीक ठीक अगली बार मिलके जाएंगे, हाँ ठीक, यही चलता है मिस्सा के समय। दूसरा कारण है, मिस्सा बलिदान ईश्वर के लिए सर्वोत्तम आराधना है, क्योंकि मिस्सा बलिदान पिता के लिए चढ़ाया जा रहा है। येसु अपने आप को बलि चढ़ाए और कहे, किससे कहे, ए पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, आपके बदले में, मेरे बदले में। येसु अपने आप को ईश्वर के लिए, ईश्वर के नाम पर चढ़ाए थे। इसलिए पहले आप लोग ध्यान दिए होंगे, येसु का शरीर और रक्त दिखाते समय हम लोग क्या बोलते थे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, ये प्रार्थना बोलते थे ना लोग, बोलते थे। अभी बोलते हैं क्या? बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए। क्यों बंद करने के लिए बोला गया है? असली में यहां येसु की आराधना नहीं हो रही है मिस्सा में, किसकी आराधना हो रही है? पिता की आराधना हो रही है। येसु अपने आप को पिता के लिए अर्पित किए थे, पिता, क्योंकि हम सभी को उनके जगह पर मरना था।
यीशु जहां मरे वास्तव में मुझे और आपको मरना चाहिए था, तो यीशु हमारा स्थान प्राप्त करके हमारे स्थान में आकर हमारे बदले में अपने आप को बलि चढ़ाए। तो यीशु के साथ मिलकर हमें अपने आप को पिता को चढ़ाने की जरूरत है। इसलिए जब यीशु का शरीर और रक्त उठाकर दिखाते हैं, वो वास्तव में यीशु की आराधना के लिए नहीं, पिता की आराधना के लिए है। ध्यान में रखेंगे, इसलिए ये सर्वोत्तम आराधना है। यहां यीशु के साथ मिलकर हम अपने आप को बलि चढ़ाकर पिता को अर्पित कर रहे हैं ना, ये सर्वोत्तम आराधना। तीसरा कारण है क्रिस्तीय जीवन का अस्तित्व। मिस्सा बलिदान में सहभागी हुए बिना आप एक क्रिस्तीय नहीं रह सकते हैं। जैसे एक डाली जो कलम की गई है, यदि उस पौधे के साथ लगी नहीं रहती और इस पेड़ से पौधे से उस डाली को जीवन रस नहीं जाता उसमें, तो वो डाली जिंदा नहीं रह सकती, वो अस्तित्व में नहीं रह सकती, वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन, हमें लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोरोना के समय में तो हम लोग था ऐसे थे, फादर मिसा में नहीं भाग लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पहचानते ही नहीं है। हम जानते हैं केवल शरीर को, आत्मा में हम कैसे जी रहे हैं हमें पता नहीं है। यदि हम आत्मिक रूप से अपने आप को देख नहीं पाते तब पता चलता हम कहां हैं। तो क्रिस्तीय जीवन का अस्तित्व मिस्सा बलिदान में सहभागी होने में है। यदि हम मिस्सा बलिदान में सहभागी नहीं होते हैं, हम एक क्रिस्तीय नहीं रह सकते। क्रिस्तीय जीवन केवल वहां समुदाय में जो जी रहे हैं वो केवल नहीं, यहां प्रकट होता है मिस्सा बलिदान में। वास्तव में यहां हम प्रकट करते हैं, क्योंकि मैं अकेले क्रिस्तीय नहीं जी सकता हूं। मैं अकेले रहकर घर में रहकर मैं नहीं बता सकता हूं मैं क्रिस्तीय हूं, नहीं, क्योंकि आप इस शरीर के अंग हैं। इस शरीर में कम से कम रविवार के दिन उपस्थित होकर अपना अस्तित्व अपने आप को भी पहचान दिलाना और उस शरीर को भी बताना, हाँ मैं इस शरीर का मैं छोटी सी उंगली हूं, मैं भी आ गया हूं। देखो चौथा कारण, मिस्सा बलिदान के द्वारा कलीसिया प्रकट होती है। कलीसिया प्रकट होती है, यहां हम एक शरीर के रूप में, इसलिए हम कहते हैं स्थानीय कलीसिया है। हर मिस्सा बलिदान में, जैसे मैंने कहा, ये संपूर्ण कलीसिया यहां उपस्थित होती है, विश्वव्यापी कलीसिया, ना केवल इस दुनिया में रहने वाली कलीसिया, स्वर्गीय कलीसिया भी यहां उपस्थित होती है। तो यहां एक प्रकटीकरण हो रहा है, रेवलेशन। तो कलीसिया यहां प्रकट की जाती है, तो उस सच्चाई को हमें अनुभव करना है, ना केवल हम यहां के लोग जो हैं, सारे ब्रह्मांड के जितने भी क्रिस्तीय विश्वासी हैं, हम हर एक यहां उपस्थित हैं। ना केवल इस दुनिया में रहने वाले हम क्रिस्तीय, बल्कि जितने भी अभी बपतिस्मा ले चुके हैं, जो स्वर्ग में भी हैं आज, उन लोग भी यहां उपस्थित होते हैं। तो यीशु का शरीर होने की उस वास्तविकता यहां प्रकट की जाती है, वो सच्चाई यहां प्रकट होती है। उसके लिए हमें विश्वास के अंग की जरूरत है। पांचवा है कलीसिया का निर्माण। पांचवा, कलीसिया का निर्माण मिस्सा बलिदान के द्वारा होता है। हम जानते हैं हमारा एक इस भवन का निर्माण करने के लिए आप लोग कितना मेहनत किए होंगे, और मिस्त्री लोग बहुत सारे लोग लगे हुए थे, बहुत दिनों से इसका मेहनत करके आप लोग इतना एक सुंदर सा भवन बनवाए हैं। ऐसे ही कलीसिया का निर्माण हो रहा है। जो कलम करने की जो विधि प्रारंभ की गई थी, मैं बताया था ना, वो वहां खत्म नहीं हुआ है, ये जीवन भर चलती रहेगी इसकी प्रक्रिया, ये प्रोसेस जारी रहेगी, ये दुनिया के अंत तक, मतलब आपकी दुनिया के अंत तक। मेरी दुनिया कब खत्म होगी? जिस दिन मेरा शरीर खत्म होगा, सही है ना। हम हर एक दुनिया है ना, छोटी छोटी दुनियाएं हम बना के रखे हैं। जिस दिन हमारा शरीर मरेगा, उस दिन वो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो दुनिया मैं तो बना के रखा हूं मेरे दिमाग में। मैं नहीं रहूंगा शरीर में तो वो दुनिया कहां रहेगी, है ना, उसमें मैं नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो कलीसिया का निर्माण, जब हम मिलकर आते हैं, ना केवल हमारे एक शरीर होने की सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं, बल्कि इस कलीसिया में हम हर एक अंग हैं। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, आप मान लीजिए आप चलना फिरना सब बंद कर दीजिए, खाना जम के खाना, लेकिन काम करना बंद कर दीजिए, चलना फिरना बंद कर दीजिए, कटिया में ही रहिए, आपका शरीर का क्या होगा? अभी हम लोग व्यायाम नहीं करते होंगे, लेकिन जितना चलना फिरना काम जो करते हैं ना, इसलिए शरीर ऐसा है। नहीं तो पता चलता पेट ऐसे निकलेगा, हाथ ऐसे निकलेगा, हाथ काम कर नहीं पाएगा, वैसे पड़ा रहेगा। जितना हम काम करते हैं,
उस हाथ के लिए जितने भी काम है उस काम करना ऑटोमेटिक उसके लिए एक्सरसाइज है, वो शक्ति पाता है हाथ। उसी प्रकार है जब हम मिलकर मिसा बलिदान में सहभागी होने के लिए आते हैं, इस कलीसिया का निर्माण का कार्य जो प्रारंभ की गई है हमारे बपतिस्मा के साथ, वो कार्य जारी रहता है। तो ऐसे पांच कारण हैं क्यों हमें कम से कम रविवार के दिन मिसा बलिदान में सहभागी होने आना है। इसको समाप्त करते समय मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि यहां हर मिसा बलिदान में जो कार्य होता है ये वास्तव में यीशु हैं, क्या यीशु का अस्तित्व यहां खत्म हो जाता है मिसा के साथ, या उनकी उपस्थिति रहती है? रहती है। कहां रहती है? आपके शरीर में जरूर रहती है। वो जब तक वो रोटी का रूप है तब तक ही है, जब वो रोटी का रूप खत्म हो गया ना, पच गया मतलब वो खत्म हो गया, लेकिन यहां चर्च में नहीं रहती, रहती है पवित्र संदूक में वहां रखा हुआ है उस तरफ। तो यीशु यहां है वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, पूर्ण रूप से, शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में संपूर्ण प्रभु यहां हर कैथोलिक चर्च में प्रभु उपस्थित है। क्यों हम उनसे मिलने नहीं आते हैं? आप साउथ तरफ जाइए, मैं तमिलनाडु से हूं, कन्याकुमारी जिला का। अब हमारे तरफ जाइए, चर्च सुबह 5:30 बजे खोलेंगे और रात को 7-8 बजे के बाद में ही बंद होगा। एक दरवाजा खुला रहेगा हमेशा, और कभी भी आप जाइए वहां आपको कोई ना कोई मिलेंगे चर्च में। ऐसा नहीं है कि लोग टाइम टेबल बना के रखे हैं, नहीं, लोग यीशु से मिलने आते हैं क्योंकि विश्वास यीशु यहां वास्तविक रूप से उपस्थित है। सारे ब्रह्मांड को रचने वाला वो ईश्वर, इसको मैं ऐसे फूकूंगा ना ये उड़ जाएगा हवा में, ऐसे ही छोटी सी रोटी के रूप में यहां हमारे बीच में उपस्थित है। हम इनसे मिलने क्यों नहीं आ सकते और क्यों नहीं आते हैं? एक प्रकार से एक अभियान चलाइए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक साल आप इसको बराबर करके देखिए, आपके पल्ली में क्या परिवर्तन दिखने लगेगा आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि मेरे पल्ली में मैंने इसको अनुभव किया, इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। इसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए आप लोग, एक साल आज से लेकर एक साल इसको करके देखिए, आपके पल्ली में और आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना परिवर्तन आता है आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप मिलने जिनसे आ रहे हैं ना, वो कोई ऐसे तैसे व्यक्ति नहीं है, ईश्वर है। उस विश्वास के साथ आप आकर देखिए। एक छोटी सी घटना के साथ समाप्त करेंगे। संत जॉन मेरी वियानी सुने हैं? सभी पुरोहितों का संरक्षक है, सभी पुरोहितों का संरक्षक संत जॉन मेरी वियानी। वो एक आर्स नामक एक पल्ली में रहते थे, एक गांव इलाका में। तो वहां भी वो हर दिन चर्च में यूक्रिस्तीय प्रभु के सामने उपस्थित होकर वो बैठकर प्रार्थना किया करते थे। तो हर दिन जैसे बैठते थे, हर दिन वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते थे। एक निश्चित समय पर वो व्यक्ति आया करता था अंदर, आकर थोड़ा समय पवित्र संदूक के सामने खड़े होकर चले जाते थे। ये बहुत दिनों से ये देख रहे हैं, घटना चलती रही रही है, चलती रह रही है। फादर के मन में थोड़ा सा एक जिज्ञासा, थोड़ा सा एक रुचि, ये पता लगाना है कि अनपढ़ व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति आके करता क्या है। तो एक दिन जैसे वो व्यक्ति आए, आके चर्च में थोड़ा समय खड़े रहकर जब जा रहे थे बाहर निकले, फादर भी उसके पीछे पीछे गए, बाहर जाके मिले, दोनों एक दूसरे को विश किए। उसके बाद फादर जी उनसे पूछे, आप क्या करने के लिए आते हैं? बोले, मैं प्रार्थना करने आता हूँ। कैसे प्रार्थना करते हैं? मैं आता हूँ प्रभु के सामने खड़े होता हूँ और मैं उनको देखता हूँ और वे मुझे देखते हैं। और आप कुछ बोलते नहीं है? नहीं बोलता हूं मैं, यीशु मुझे देखते हैं, मैं यीशु को देखता हूं। और फिर वे खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूं और हम चले जाते हैं। कितनी बड़ी प्रार्थना है ये, एक भी शब्द का प्रयोग की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना का मतलब लंबी चौड़ी प्रार्थना, शब्दों का प्रयोग करके वो बोलना, ये बोलना, हल्लेलुया करना, ये करना, नहीं है। प्रार्थना हमारा और आपका कार्य नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या आप अपने मुख्यमंत्री को आप फोन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप और मैं ईश्वर से कैसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं जब तक वो हमें फोन ना लगाए? जब तक ईश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक माध्यम ढूंढ कर ना दे
जिसके द्वारा हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि वो तो एक आम आदमी नहीं है, वो ईश्वर है। वो हमें डायल करते हैं प्रार्थना के द्वारा, वो हमें फोन लगाते हैं, वो हमें फोन करके बुलाते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा, मेरी बेटी, आओ मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, आओ। और यहां कोई शब्द की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। शब्द किसको जरूरत है? कितने ऐसे दंपति हैं जिनके विवाह हुए अभी 20-25 साल से ऊपर हैं, 25-30 साल। क्या आपके पति और पत्नी को आज भी आपकी जरूरत को समझाने के लिए शब्दों से प्रकट करने की जरूरत होती है? खाना चाहिए, पानी चाहिए, या मैं गुस्सा में हूं, ये सब बोलने के लिए शब्द की जरूरत होता है, या देख के ही पहचान लेते हैं? दो व्यक्तियों का संबंध की गहराई जितने शब्दों के कम रूप में प्रयोग किया जाता है ना, उससे हमें पता चलेगा। माने आप दो व्यक्तियों के बीच का संबंध कितना गहरा है, इसको आप मापना चाहेंगे तो आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। बिना शब्दों का प्रयोग से ही यदि एक दूसरे को आप समझ पा रहे हैं तो उतना ही गहरा है वो संबंध। जो नहीं समझ पाते हैं ना, उन्हें ही शब्द की जरूरत होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, समझदार को इशारा काफी, ये तो समझ लेते हैं। इसलिए बाइबल में संत योसेफ को एक भी शब्द की जरूरत नहीं पड़ी। संत योसेफ को 3-3 बार स्वप्न में ईश्वर दर्शन देकर, माने उन्हें संदेश दिया गया था, एक बार भी कोई भी सामने आके उन्हें एक शब्द नहीं कहे। उनको उन शब्दों की जरूरत नहीं थी, केवल एक इशारे की जरूरत थी। प्रार्थना में भी उस गहराई में हमें जाना है। ये मत सोचे कि प्रार्थना करने के मतलब आके बैठ के बोलते 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 चिल्ला के हल्ला करके जाना है। नहीं, उस बुजुर्ग व्यक्ति के समान आप भी आइए, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाइए, मौन रहिए, उनकी उपस्थिति का वास्तविक अनुभव करिए, उस उपस्थिति को लेके जाइए, आप रिचार्ज होके जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर एक बैटरी पहले से कम्युनियन के समय में लग चुकी है, एक बैटरी, उसको आप आके रिचार्ज करिए, जाइए, आपका दिन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। करके देखिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी हैं, उन्हें हम अपनी आंखों के सामने ले आए हैं। हम हमारे क्रिश्चियन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर रहे थे, पवित्र यूकरिस्त। दूसरा नाम है उसका यीशु। यीशु का दूसरा नाम पवित्र यूकरिस्त है। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें हमने मनन किया, और हमें मिसा बलिदान में क्यों सहभागी होना अनिवार्य है, इसके भी 5 कारण हमने देखे। और मिसा बलिदान के भी हम अलग अलग भागों के बारे में भी हमने मनन किया, और पुनर्जीवित प्रभु का प्रथम कार्य के बारे में भी हमने मनन किया। वो जो एम्माउस, यरूशलेम से एम्माउस जाने वाले उन दोनों शिष्यों के साथ यीशु जो यात्रा करके गए थे, उन्हें वचन सुना रहे थे, और उनके घर में जाकर मिसा बलिदान एक प्रकार से उसका दूसरा भाग, यूकरिस्तीय समारोह वहाँ संपन्न किए, और यीशु उनके सामने से, उनके आंखों से ओझल हो गए, लेकिन वहाँ उनके साथ रहे रोटी के रूप में। वही यीशु हमारे साथ हैं, वही यीशु हमारे साथ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए वो तड़प रहे हैं। क्रूस से मरते समय जैसे क्रूसित प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। तो प्रभु की प्यास आपके लिए थी, आपके लिए थी उनकी प्यास, और आज भी वो बुझी नहीं है। वही प्रभु आज भी यूकरिस्त के रूप में उपस्थित होकर आपके लिए प्यासे और भूखे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। हम क्यों नहीं समझते ईश्वर के प्रेम को? यीशु जितनी भी बार अभी बार बार दर्शन दिए हैं, संत फौस्तीना को हों और अन्य संतों को हों, यही कहा करते हैं, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरी प्रजा मुझसे प्यार नहीं करती, मुझ पर इन लोग भरोसा नहीं करते हैं, विशेष रूप से यूकरिस्त का इन लोग अनदेखा करते हैं। ये यीशु के शब्द हैं, उनके दर्द भरे शब्द हैं। हम कितना उन्हें दुख दिए हैं। हर बार जब हम मिसा बलिदान में सहभागी होने नहीं आए हैं, हमने प्रभु यीशु को दुख दिया है। और मिसा बलिदान में आकर भी हम जब पूर्ण रूप से अभी तक जानकारी लिए बिना, इतने भी पढ़े लिखे होने के बावजूद, विश्वास में इतने सालों से रहने के बावजूद, यदि हम अपने विश्वास को नहीं जाने हैं,
उसके द्वारा भी हम यीशु को दुख दिए हैं, उनको जानने से हमने इनकार किया है, अवसरों को हमने अनदेखा किया है, उसका फायदा नहीं उठाया है, इसके द्वारा भी हम उन्हें दुख दिए हैं। यदि उदाहरण के लिए आप दो पति पत्नी, यदि 40 साल एक साथ रहने के बाद में भी पत्नी को लगे मेरा पति मुझे नहीं समझ पाया है, मुझसे ये प्यार नहीं करता है, वो पत्नी को कितना दुख भरी ये बात है, ये उससे भी ज्यादा दुख की बात है हमारे विश्वास को नहीं जानना। हमारे लिए भले दुख की बात ना हो, लेकिन यीशु के लिए बहुत ही दुख की बात है, उनको नहीं जानना उन्हें कितना दुख भरी बात है। और जब कभी हम यीशु को पवित्र यूकरिस्त के द्वारा उसके रूप में हमने ग्रहण किया, लेकिन उनको उचित आदर सम्मान और प्यार हमने नहीं दिया, उसके द्वारा भी हमने यीशु को दुख दिया है। यीशु से क्षमा मांगे, यीशु से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरे प्यार को मैंने अनदेखा किया है, तेरी उपस्थिति का मैंने अनदेखा की है, मुझे कृपा दे कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार और तेरे प्रेम को समझते हुए यूकरिस्तीय प्रभु को, हे प्रभु यीशु आपको मैं मेरे जीवन भर प्यार करता रहूं और आपको जानने के लिए मैं प्रयत्न करता रहूं, और जो शिक्षा मुझे मिली है इसको मेरे अन्य भाई बहनों को भी देने की भी कृपा मुझे प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हुए आइए हम सब खड़े हो जाएं और यीशु की यूकरिस्तीय प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए हम खुशी और आनंद के साथ, भले देरी में बल्कि अभी तो हम समझ रहे हैं इन बातों को समझ कर, इसके लिए धन्यवाद देते हुए हम यीशु की महिमा करते हुए गाएंगे। अपनी आंखें बंद रखिए। यूकरिस्तीय प्रभु, जिनको आप पिछले बार, जब भी, कल हो सकता है, इसके पहले हो सकता है, जब भी आप ग्रहण किए उनको अपने हृदय में अनुभव करते हुए उनके लिए गाइए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, खुशी और आनंद के साथ। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगाई करने वाला यीशु हालेलुया, चंगाई करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, दया करने वाला यीशु हालेलुया, दया करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, पूरे हृदय के साथ ईश्वर के लिए हम सभी बच्चे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके, हम एक दूसरे को ना लेके प्रभु ईश्वर के लिए हम स्तुति और आराधना करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया हालेलुया
लंगड़े लंगड़े चलते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हम अपनी आंखें बंद ही रखे, दोनों हाथों अपने हृदय में रखे। हृदय सखी मेरा यीशु मेरे हृदय में जीने दे, मेरे प्रभु के लिए मेरे हृदय में जगह दे। हे प्रभु यीशु, हर दिन हर बार जब कभी हम मिसा बलिदान में सहभागी हुए और आपको ग्रहण किए, आप हम में आकर हम में एक हुए, लेकिन हम आपका अनदेखा किए हैं। प्रभु जी यीशु, हमें कृपा दीजिए कि हम आपकी सच्ची वास्तविक संपूर्ण पूर्ण उपस्थिति पर दृढ़ विश्वास करते हुए यूक्रिस्तीय प्रभु को, आपको हम अपने जीवन का केंद्र मानकर हमें जीने की कृपा हमें प्रदान करें। प्रभु जी, हम सदैव आपकी उपस्थिति में रहने पाएं, आपके लिए जीने पाएं। जैसे आप हमसे प्यार करते हुए अपने आप को हमारे लिए देते हैं, वैसे हम भी अपने आप को आपके लिए देने की कृपा करिए। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति और आराधना होती रहे। हम सभी को आप अपना प्रेरित बनाइए, यूक्रिस्त के प्रेरित बनाइए। हम आपकी सच्चाई को, वास्तविकता को, इस सुसमाचार को, कि आप हमारे बीच में सच्चे रूप से, वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से जीवित हैं, उपस्थित हैं, इस सच्चाई को हम दूसरों को बताने पाए। हमारे जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा दूसरों को भी आपके पास लेकर आए आने पाए, हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो था ये मेरा एक रिट्रीट टॉक का एक वीडियो का तीन भागों में बांटकर जो हम लोग यहाँ पब्लिश किए हैं, उसका ये तीसरा वॉल्यूम है। इसके पहले दो वॉल्यूम्स पब्लिश किए जा चुके हैं, इसके पहले के जो दो भाग हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जरूर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर उनको देखिए, क्योंकि ये सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा था इसलिए हम उसको काट कर तीन भाग कर दिए थे। जरूर उनको भी देखिए और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करिए, बार बार इनको देखिए और बच्चों को सिखाइए, ताकि हमारा जो निर्माण है यीशु के शरीर के रूप में, एक आध्यात्मिक भवन के रूप में, वास्तविक रूप से सही मायने में, सही अर्थ में होने पाए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करेगा।